बिहार अपडेट, उभरते बिहार की बदलती तस्वीर। अनारा जी, लोग कह रहे हैं कि आपने 200 करोड़ की ठगी की है, क्या कहेंगे अनारा? 200 करोड़ की ठगी की होती तो मैं भी यहाँ नहीं बैठी होती, किसी विदेश चली गई होती 200 करोड़ लेके। मैं सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर थी एज ए डायरेक्टर, जो एंटरटेनमेंट सेक्टर में होता है, जो सेलिब्रिटीज करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रमोट करती हैं, और उसके लिए उनको महीने का कुछ जो भी उनका तय होता है वो मिलता है मंथली बेसिस पे। मेरा वैसा ही था एम्प्रो मीडिया और एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। मैं उनकी डायरेक्टर थी, हूँ नहीं, मैं अगस्त में ही रिज़ाइन कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं उनकी सिर्फ जो प्रमोशन एक्टिविटीज़ में ही पार्ट लेती थी। मैं किसी भी जगह, मेरा उनके अभी 2-2.5 महीने से कहीं आना जाना नहीं है मेरा, से जो प्रमोशन कंपनी को प्रमोट कर रही थी मैं सिर्फ। कंपनी में कहीं भी मेरे लीगल सिग्नेचर्स या कंपनी में मेरा कहीं भी कोई परसेंटेज कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ मंथली बेसिस पे था। आप पे केस भी हुआ है, कुछ बताएंगे केस के बारे में? कहाँ का केस की मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी तक, क्या केस हुआ है। कंपनी पे ज़रूर केस हुआ है, उसी आधार पे मैंने देखा कि आज सुबह से बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, और ये देने का इसलिए मकसद है मेरा एक्चुअली, कि लोगों को पता चले कि मैं इस कंपनी के साथ कहीं भी उनके फाइनेंशियल स्टेटस पे कहीं भी मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं सिर्फ एक ब्रांड हूँ कंपनी का, और एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो काम होता है एक एक्ट्रेस का, वो किया है मैंने। कंपनी कहाँ किसके साथ क्या इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ से क्या पैसा ले रही है, उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं। करण जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? बेसिकली मेरा कहना ये है कि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। उसी तरह अनारा के सामने भी हम लोग एक मूवी की बात कर रहे थे, बीच में हमारी एक मूवी आने वाली थी दिल हिंदुस्तानी, तो उसी मूवी की बात करते करते दरमियान हमें अनारा के एक मित्र हैं अमरीश सिंह, वो भी भोजपुरी से ही हैं, उन्होंने कहा कि मेरे एक मित्र हैं, उनकी कोई कंपनी है, आप उसमें प्लीज़ एज ए डायरेक्टर आइए, क्योंकि आप इतनी फेमस एक्ट्रेस हैं, तो हम चाहते हैं कि आप आए उस कंपनी में, तो उस कंपनी की ब्रांडिंग थोड़ी और बढ़ेगी। तो आई स्टिल रिमेम्बर अनारा ने पूछा कि क्या है कंपनी, तो उन्होंने कहा एक ऐसी कंपनी है जो इन्वेस्टर से पैसे लेके फिल्मों में इन्वेस्ट करती है। तो वहाँ मैं भी था, मुझे अच्छे से याद है, कुछ और भी लोग थे सीसीडी में, वो मीटिंग हुई थी सीसीडी में, और अनारा ने कहा ठीक है। फिर अनारा लखनऊ गई, उनका एक अग्रीमेंट हुआ, एक मंथली डिसाइड हुआ। डिसाइड होने के बाद कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने ऐसी की, जैसे फैशन शो करने लगे जिसमें मैं था, मेरी मॉम गई थी, अनारा गई थी, हम लोग की साथ, क्योंकि अनारा ने आज तक कभी इंडिविजुअल काम नहीं किया है, वो सबको लेकर चलती है, हम लोग की पूरी फैमिली एक साथ काम करती है। काफ़ी लोग गए थे इंडस्ट्री के, और भी आर्टिस्ट गए थे, लेकिन हालांकि जितना मुझे नॉलेज है या जितना मुझे पता है कि जैसे केस किया, अब आदमी को जब थोड़ा सा लगता है ना तो वो इतना बताता है, उसी तरह कुछ लोग हैं जलन में, जैसे इस कंपनी की एक और डायरेक्टर है जिन्होंने इसके पहले एलिगेशंस लगाए हुए थे कंपनी में, जिस वजह से अनारा ने फिर छोड़ दिया। अनारा ने कहा यार मुझे कंट्रोवर्सी या ये ख़राब चीज़ें नहीं चाहिए, मैं क्लीन चीट कंपनी के साथ रहना पसंद करूंगी, और अनारा ने वो कंपनी को रिज़ाइन दे दिया, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट की जो साइट्स है जिसमें डायरेक्टरशिप के बारे में बताया जाता है किसी भी कंपनी के बारे में, उस कंपनी में अपडेट किया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अर्पिता माली, जिन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, अर्पिता माली जो इस चीज़ को, अनारा की न्यूज़ को फेसबुक में काफ़ी स्प्रेड करी, आई डोंट नो वो इशी या क्या चाह रही है वो, खैर एक लड़की होकर लड़की की इज्जत नहीं कर पा रही है, बट उस लड़की ने इस चीज़ को बहुत हाइप दे दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका पर्सनल इंटेंशन क्या है इस चीज़ में, लेकिन आप सबको मैं बताऊं तो अगर आप गूगल करेंगे तो अर्पिता माली डायरेक्टर है इस कंपनी की, अनारा रिजाइन कर चुकी है, वो स्टिल डायरेक्टर है, तो उसे शायद लग रहा होगा कि डायरेक्टर्स पकड़े जाएंगे तो पहले वो जाके सर्च करे कि डायरेक्टर कौन है, ना कि अनारा है। रही बात 200 करोड़ की, अभी मैम ने पूछा था 200 करोड़ का सिलसिला ये है, अगर 200 करोड़ ले लिया होता या अनारा के पास होते तो डेफिनेटली अनारा शायद मीडिया के सामने नहीं आती। अनारा को काफ़ी दुख हुआ कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, इतने अच्छे से नाम कमाया, इतने चाहने वाले लोग हैं, इतना प्यार करते हैं, उनके सामने ऐसी छवि। तो हम लोग कल ही बाहर थे, कल आज सुबह ही पहुँचे, पहुँचने के बाद न्यूज़पेपर में पढ़ा, और डेफिनेटली ऐसा कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो घर का माहौल चेंज होता है, करने वालों को समझ में नहीं आता कि जिसपे हो रहा है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, तो एक घर का हमारा माहौल चेंज हुआ। फिर बहुत ही करीबी मेरे बड़े भाई जैसे मेरे मित्र है उदय भाई, उन्होंने कहा कि क्यों ना बैठा जाए और सबको बताया जाए कि अनारा
ने क्या किया है, या अनारा पे जो चीजें हो रही है वो सही है गलत है। तो सही है गलत तो सर एसटीएफ के पास गया है मैटर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट योगी जी की सरकार है, और योगी जी मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिए हैं, तो इस बार भी नहीं लेंगे। और एक महिला है, योगी जी बहुत अच्छे से महिलाओं की इज्जत करते हैं और वो बहुत अच्छे से इस चीज की छानबीन करेंगे कि ये 200 करोड़ जो बोला गया ये फेक है या सच है। क्योंकि जितना मुझे पता है, मेरी गर्लफ्रेंड है, एक सैलरी आया करती थी इस बच्ची की, ये बहुत खुश होती थी उस सैलरी में क्योंकि बहुत मेहनत की है इसने किसी भी चीज को। अगर लाइक अगर मैं पूछूं एक कैमरामैन से कि ब्रो अगर आपकी सैलरी, ये बोलेगा, अगर बोलता है 12,000, इट मीन्स अगर इसको भगते हुए बैल के सामने भी खड़े कर देगा ना वो कंपनी का मालिक, तो इसे होना पड़ेगा क्योंकि इसे सैलरी मिल रही है। एग्जैक्टली अनारा के साथ भी यही हुआ कि यार आप डायरेक्टर हो, आपने एग्रीमेंट साइन किया है। कई बार अनारा ने कई चीजों के लिए ऑफेंस किया था कि मुझे ये वीडियो नहीं बनाने हैं या मुझे ये चीज नहीं बोलनी है या ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। आई स्टिल रिमेम्बर अनारा ने मुझसे डिस्कस किया था ये, और फिर हम दोनों ने, अनारा ने मुझसे डिस्कशन किया, हम दोनों ने फैसला लिया कि इस कंपनी से क्विट करते हैं। अगर मैं उस कंपनी के बारे में बोलूं, उसके कुछ लोगों से मिला हूं, नरेश जिनका नाम आ रहा है, प्रदीप जिनका नाम आ रहा है, रॉबिन, शत्रुघ्न जी जो अरेस्ट हुए हैं, यह सब फैमिली वाले हैं, सब अच्छे लोग हैं। बट होता है, मैं किसी की सफाई देने तो नहीं बैठा हूँ, सब अच्छे लोग हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने कोई गलती की होगी जिस वजह से वो चीज़ें सामने आई। लेकिन हम दोनों, मैंने और अनारा ने एडवोकेट से बात कर रखी है अपने, क्योंकि जितना अनारा मतलब अनारा सिर्फ सच के लिए स्ट्रांग है, शी इज़ वेरी स्ट्रांग क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है, तो इसीलिए हम सामने आए हैं और बाकी सब आप लोग के हाथ में। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आज पहला दिन है, दूसरे दिन, तीसरे दिन एक लड़की की इज्जत उछालने में लोगों का मुंह बिल्कुल बंद नहीं होता है। मैं बताऊं 80% लोग अच्छे, तो 20% लोग बुरे हैं यार, और स्पेशली एक ऐसी सेलिब्रिटी जो पहले भी मुश्किलों से सामने आई, फिर बहुत मेहनत किया, एक मुकाम पाया एक इंडस्ट्री में, जम्मू से आई है, भोजपुरी की स्टार बनी, उसके बाद उन्होंने अपने ही स्टेट की कंपनी को बढ़ावा दिया, इन्होंने काफी मूवियों में पैसा भी लगाया है, मेरे हिसाब से उन लोग काफी मूवियों में पैसा लगाया है, और मैं भी काफी इसमें गया हूँ, हम लोग के कुछ इवेंट्स होते थे उसमें भी उन्होंने स्पॉन्सर्स दिए हैं, तो किया तो है काम। बट मुझे नहीं पता उनकी कुछ आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है या उनकी सोचबूझ से हुआ है या किसी ने कराया है। अब गवर्नमेंट के ऊपर है, मुझे लगता है मुश्किल से 15 दिन में जो भी ये सब सामने आ जाएगा और 200 करोड़ का भी खुलासा हो जाएगा। बाकी मेरा अकाउंट डिटेल्स दे देती हूँ, उसको चेक कर लीजिए कितना उसमें 200 करोड़ है। अनारा को कोई फोन कॉल्स या कुछ ऐसे आए हैं इस बारे में? नहीं नहीं, मुझे कोई कॉल्स नहीं आए हैं किसी भी ऑफिशियल पर्सन का। मुझे जो भी कॉल आई है मेरे मीडिया लोगों से आई है, मेरी इंडस्ट्री के लोगों से आई है जो एक्चुअली मुझे बहुत प्यार करते हैं। कि ये सब क्यों हो रहा है, जबकि मैंने कभी भी जो भी चीज की है अगर कंपनी के लिए तो वो सब खुलेआम की है। अगर मैंने किसी इवेंट के लिए भी गई हूँ तो सबके सामने गई हूँ, कुछ भी अपडेट किया है मैंने, अगर कुछ भी गलत करती अगर मैं, तो मैं ऑफकोर्स मीडिया के सामने या अपने सोशल साइट पे वो सब चीजें नहीं डालती कि भाई लोगों को पता चले कि भाई मैं ऐसी इस तरह की कंपनी के साथ कनेक्टेड हूँ। सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर थी, मेरा काम था कंपनी को बढ़ावा देना, मैं उसके लिए मुझे सैलरी मिलती थी, मैंने वो काम किया है। बाकी कंपनी क्या तरीके से पैसा लाती है क्या नहीं लाती है मुझे उसके बारे में ना तो कोई आइडिया है और ना मैंने कभी इन्वॉल्वमेंट किया, क्योंकि वो मेरा पार्ट ही नहीं है, वो मेरा पार्ट ही नहीं था उस कंपनी में। अनारा, आपके लॉयर और आप लोग अभी आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं? अभी वो आएंगे डिफेंड एक्शन पे, हम लोग के पास अभी तक एफआईआर कॉपीज नहीं आई है क्योंकि अभी तक अनारा को कोई ऑफिशियल कॉल नहीं है, कोई भी ऐसे ऑफिशियल्स कॉल नहीं आए हैं। वी आल्सो वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि हम लोगों ने अगर इनलीगल नहीं किया है तो अनारा ने बोला है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। करण, अनारा के फोन ऑन है, बाकी के जितने डायरेक्टर्स हैं सबने फोन बंद कर दिए हैं, कहाँ गए हैं क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। तो अनारा ने कहा मैं नहीं भागूंगी क्योंकि मैं ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर मैं क्यों डरूं। इसी तरह हम भी चाह रहे हैं कि जो भी एक्शंस ले रही है गवर्नमेंट बेसिकली वो सही लोगों पे ले, ना कि गलत लोगों का नाम उछलवाए मीडिया में, क्योंकि
मीडिया की जो प्रेस नोट गई है वो बहुत गलत गई है कल, मतलब बीइंग ए एक्ट्रेस आप कुछ भी नहीं छाप सकते किसी के नाम पे जस्ट टू सेल योर न्यूज, क्योंकि आई नो जर्नलिज्म को हम बहुत बढ़ावा देते हैं और मैं हमेशा बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ सब पेपर्स का, जर्नलिज्म का, कि मुझे बनाने वाले ये मीडिया ही है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर टाइम। जब मैं उस लेंथ निकल के आई थी तब तो मीडिया ने ही बहुत सपोर्ट किया था, तो मुझे लगता आज भी ये प्रेस रखने का इसलिए मकसद था कि आज भी मीडिया ही मुझे सपोर्ट करेगी सच ना मिलाने के लिए, ये लोगों तक जाए और लोगों को पता चले कि जो सही लोग कनेक्टेड हैं कंपनी से, जो मेन डायरेक्टर्स हैं या जिनके पास फाइनेंस की सब चीज़ें हैं, प्लीज़ उनको कॉन्टेक्ट करें, उनका नाम लेके आए मार्केट में, ना कि एक लड़की का जिसका फेस वैल्यू, जिसका नाम ऑलरेडी मार्केट में है, उसके नाम पे न्यूज़ बना के सेल करके। मेरे वीडियोस होंगे फॉर श्योर, लेकिन उस वीडियोस में मैंने कहीं ये नहीं बोला है कि भाई आइए आप इस कंपनी में आके पैसा लगाइए, हमें आपके पैसे की ज़रूरत है, मैंने कभी भी नहीं बोला है। जो भी मैंने वीडियोज़ भी दिए होंगे वो कंपनी को सिर्फ प्रमोट करने के लिए वीडियो दिया है, कभी भी किसके नाम पे पैसा उठाने के लिए कभी भी कोई वीडियो नहीं दिया पर्सनल। मैंने अनारा गुप्ता ने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा है, जब भी बोला होगा कंपनी के नाम पे बोला होगा, क्योंकि कंपनी की मैं ब्रांड एम्बेसडर थी, दैट्स इट। मुझे दूसरा ये नहीं समझता, हिंदुस्तानियों का एक नेचर है कि मुझे नहीं पता अनारा का नाम भी है या नहीं है FIR में, लेकिन मीडिया ने छाप दिया तो अनारा कंफर्म हो गई कि वो भाई वही गुनाहगार है, उसी ने 200 करोड़ लिया। यार हमारे हिंदुस्तान में सोच समझ बहुत ज्यादा है, मेरा मानना है उस सोच समझ से सोचिए आप कि एक लड़की का सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे या मीडिया ने छाप दिया तो आप कर रहे हो, यार तहकीकात होने दो, गुनाहगारी या उसको जो सजा मिलनी है या वो गुनहगार है या नहीं है, हमारा कोर्ट है, चीजें है, आप अपने मुंह से बुराइयां कर रहे हो, फेसबुक में गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हो, या आपकी फैमिली ने सिखाया आपको, यार हम लोगों ने पर्सनली आज तक इतने कांड हुए हिंदुस्तान में, इतनी चीजें हुई, हम लोगों ने कोई डिंपल ही नहीं दी, जबकि हम लोग चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन यहाँ की जो जनता है ना बॉस, मैं सुबह से इतना नाराज हूँ उनसे कि यार एक लड़की जब अच्छा काम कर रही है तो आप वाह वाह करो, और गलती से किसी ने कान सुनाई में कुछ बोल दिया छू 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 तो वो लड़की बुरी हो गई, और आप फेसबुक से लेके हर जगह उसकी बुराई कर रहे हो, यही चीज सीखी है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है इस मीडिया के माध्यम से, आप सबसे पहले जो भी न्यूज आप तक आ रही है उसके तह तक पहुंचो, जो भी चीजें आप तक पहुंच रही है ना उसकी जड़ को ढूंढो, क्या वो सच है, क्या वो गलत है, क्या वो चीज थी या नहीं थी, फिर जाके आप उस चीज को ब्लेम कर सकते हो। आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे किसी पे ब्लेम नहीं करो, लेकिन मैं इस कंपनी के लिए बोलूंगा एम्प्लॉयर कंपनी ने मेरे सामने तो ठीक ठाक काम किया है, जिनके भी जो भी और डायरेक्टर्स है मैं उनसे भी पर्सनली मिला हूँ, प्रदीप से ही मिला हूँ, मेरे एक इवेंट में वो लोग आए हुए थे, अनारा और मैंने एक क्लब ओपनिंग किया था उसमें वो आए हुए थे, वो सब मुझे बाय नेचर अच्छे लगे, मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात की, उसके बाद मेरी उनसे बात भी नहीं हुई, मुलाकात भी नहीं हुई, बट वो लोग मुझे अच्छे लगे थे। यार मैं तो पहली बार किससे मिलता हूँ या अनारा मिलते, सब अच्छे लगते हैं, तो सब अच्छे होते हैं, सिचुएशन खराब होती है, तो आप सब ये समझे कि आज सिचुएशन खराब है कल अच्छी होने वाली है, तो आप उस चीज को दबाए मत, उल्टा सपोर्ट करिए, क्योंकि ये भी हिंदुस्तान की ही आपकी बेटी जैसी है, आपकी बहू जैसी है, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सुनी सुनाई बातें करना। थैंक यू। हर खबर की सच्चाई आप तक, भोजपुरी एंटरटेनमेंट हो या हो राजनीति का घमासान, शहर से लेकर गांव तक, हर खबर पर हमारी पैनी नजर, ताकि हम खबर की सच्चाई पहुंचा सकें आप तक। बिहार अपडेट, उभरते बिहार की बदलती तस्वीर।